गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, दिस इज अर एसएसटी क्लास एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3. फर्स्ट एंड सेकेंड इज कंप्लीटेड. योर चैप्टर नंबर 3 इज नीड ऑफ वाटर, है ना? ये वाला पेज हम लोग कल पढ़े थे, याद है? नीड ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 13. वी ऑलवेज कंप्लीटेड इट. टर्न टू पेज नंबर 14. स्टोरिंग वाटर. समटाइम्स देयर इज पुअर रेनफॉल इन सम एरियाज. अब हम लोगों को पढ़ना है कि वाटर को जो है जमा करना. स्टोरिंग वाटर मीन्स वाटर को रखना है, जमा करना है. कहाँ जरूरत पड़ती है जमा करने की? तो समटाइम्स देयर इज पुअर रेनफॉल इन सम एरियाज. कभी कभी कुछ एरियाज में रेनफॉल बहुत कम होती है, वर्षा जो है बहुत कम होती है. ड्यू टू दिस रीजन, इसी वजह से सच एरियाज डू नॉट गेट इनफ वाटर. इस वजह से उन जगहों पर, उन एरियाज में पानी की कमी हो जाती है ना, जरूरत जितनी होती है उतना पानी नहीं मिलता है. सो वी नीड टू स्टोर वाटर फॉर लेटर यूज. इसलिए हमें पानी को स्टोर करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है. क्यों? ताकि हम बाद में उसे यूज कर सकें. वी कैन डू इट मेनी वेज. हम इसे बहुत तरह से कर सकते हैं. कैसे? द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग कैन बी स्टोर्ड इन जग्स. ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए पानी कहाँ रख सकते हैं? जग में रख सकते हैं. बॉटल्स एंड अर्दन पॉट्स. अर्दन पॉट्स मीन्स सुराही एंड मटका, है ना? इन सब चीज़ों में पानी रख सकते हैं, है ना, जमा कर सकते हैं. पॉट, बॉटल, टैंक, बकेट, ड्रम. द वाटर यूज फॉर अदर पर्पसेस सच एज वॉशिंग क्लोथ्स, बेदिंग एंड मॉपिंग कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, ड्रम्स एंड बकेट्स, है ना? हम लोगों को देखो, नहाने के लिए, धोने के लिए और मोपिंग वगैरह सब चीज़ के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो वो हम कहाँ रखेंगे? टैंक्स में रख सकते हैं, ड्रम्स में रख सकते हैं, बकेट्स में रख सकते हैं ना. ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज टेस्टलेस. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी जो है साफ, वो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, यानी कि उसका कोई स्वाद नहीं होता है. कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है. एंड ऑर्डरलेस होता है, माने कि उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती, गंध रहित होता है. वी शुड यूज ओनली क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर. हमें क्लीन और जर्म फ्री वाटर ही यूज करना चाहिए, साफ और कीटाणु रहित वाटर. वी क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग. हम वाटर को कैसे कर सकते हैं क्लीन? बॉयल करके कर सकते हैं या फिर फिल्टर करके कर सकते हैं. वाटर इज क्लीन एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. पानी कहाँ पे क्लीन होता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे क्लीन होता है. देन इट इज सप्लाइड टू आवर हाउसेज. उसके बाद ही हम लोगों को पानी हमारे घर में सप्लाई होता है, आता है नल में. वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय वेरियस मेथड्स. वाटर को कैसे कैसे प्यूरिफाइड कर सकते हैं? वाटर कैन बी बॉइल करके हम उसे साफ कर सकते हैं. वाटर कैन बी स्ट्रेन्ड करके हम उसे साफ कर सकते हैं. एंड वाटर कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग अ वाटर फिल्टर. एक वाटर फिल्टर जो है, वाटर फिल्टर जानते हो ना, ये देखो, ये इसमें भी रखने से हमारा वाटर छन के इससे निकलता है, तो वो फिल्टर हो जाता है. वाटर कैन बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स. वाटर को हम साफ बर्तन में रख सकते हैं. एंड क्लोज कंटेनर्स, और वो डब्बे जो जिसमें अच्छे से बंद हो, वो कंटेनर्स कहलाते हैं. तो बंद होने वाले डब्बों में हम पानी रख सकते हैं, है ना? बॉइलिंग वाटर, फिल्टरिंग वाटर एंड कवर्ड वाटर, है ना? ये क्या हो गया? वो क्लीन वाटर हो गए. एंड सेविंग वाटर. ओके, सेविंग वाटर. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एज इट इज़ आर नेचुरल वेल्थ. हमें पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी नेचुरल वेल्थ है ना, हमारी नेचुरल शक्ति है, समझ लो. वाटर कैन बी सेव्ड इन मेनी वेज. वाटर को किस तरह से सेव रख सकते हैं? डू नॉट लेट द टैप रन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तब अपने नल को खुला ना छोड़ें, है ना. रिपेयर
लीकिंग टैप्स इमीडिएटली, अगर हमारे टैप में, नल में कहीं से लीकेज है, कहीं से पानी टपकता है, तो उसे हमें इमीडिएटली जो है जल्दी से जल्दी रिपेयर कराना चाहिए ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो। क्लोज द टैप आफ्टर यूजिंग इट, जैसे ही उसे यूज कर ले क्लोज कर दे टैप को। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल बेथिंग एंड क्लीनिंग, वाटर को जो है साफ करते समय, नहाते समय, सफाई करते समय वेस्ट ना करें, फालतू ना बहाएं। ये हमारे वाटर सेविंग के सब रूल्स हो गए। ओके, दिस इज योर थर्ड चैप्टर क्लास सेकेंड, योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट एक्सप्लेन, है ना। अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय क्लास।